तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। फिर आज की वीडियो में, या फिर ये कही कि आज की वीडियो से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ NBS या फिर KBS जो PGT हिंदी के लिए जो वैकेंसीज निकलती हैं, तो उसका ही वीडियो मैं लेकर आई हूँ। और आपके सामने बहुत सारी वीडियो आएंगे जो कि रिलेटेड होंगे जीवन परिचय से, चाहे वो आपके प्रेमचंद हो, माखनलाल चतुर्वेदी, जितने भी कवि, उनका जीवन परिचय होगा और कुछ इंपॉर्टेंट जो रचनाएँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऐसे पर्सन जिन्होंने NBS के लिए अप्लाई किया हुआ है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं, और जो पहली बार देख रहे हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा हिंदी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे हिंदी लिटरेचर से रिलेटेड भी मैंने कई वीडियो डाले हैं जिनमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं एंड बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपके काफ़ी काम आएंगे, आपके NBS एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्रेमचंद का जीवन परिचय। वैसे भी आज प्रेमचंद जयंती है, ठीक है, तो मैंने सोचा प्रेमचंद के जीवन परिचय से स्टार्टिंग करते हैं। तो प्रेमचंद के बारे में कहें तो इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, ठीक है, उपन्यास सम्राट के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं, ठीक है। या इसके अलावा मतलब बहुत ही अच्छे हम कह सकते हैं कि लेखक के रूप में इनको गिना जाता है, ठीक है। हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं के लेखक हैं, ठीक है। तो प्रेमचंद का जीवन परिचय से स्टार्टिंग करते हैं। तो प्रेमचंद का जीवन परिचय से सबसे पहले इनका जो जन्म था, इनका जन्म माना जाता है 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनकी जो मतलब लास्ट जो कहें इनकी मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर, ठीक है, 8 अक्टूबर 1936, ठीक है, 1936 में, ठीक है। हो सकता है कुछ हो, मिस्टेक हो सकती है, पर ज़्यादातर जगह पे 8 अक्टूबर ही है, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ में क्या हम बात करें, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इनका असली में नाम क्या था, इनका मूल नाम। मूल नाम का मतलब है कि वाकई में इनका नाम प्रेमचंद शुरू से था या कभी हुआ। तो देखिए, इनका जो मूल नाम था, बात की जाए तो धनपत राय श्रीवास्तव, ठीक है, धनपत राय श्रीवास्तव था इनका नाम, ठीक है, धनपत राय श्रीवास्तव, ठीक है, इनका नाम था। और इसके अलावा इन्हें नवाब राय भी कहा जाता है, ठीक है, नवाब राय, ठीक है, इन्हें नवाब राय भी कहा जाता है। इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद भी इनको कहा जाता है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, ये इन नामों से इनको जाना जाता है, ठीक है। उपन्यास के क्षेत्र में इनके योगदान को देखकर, मतलब इनका उपन्यास क्षेत्र में इतना अच्छा योगदान रहा था कि जो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय थे, इन्होंने सम्राट उपन्यास कहकर इन्हें संबोधित किया था। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि आखिर कौन था जिन्होंने इन्हें सम्राट उपन्यास कहा था, ठीक है, तो यहाँ पर हम वो टॉपिक नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो सम्राट उपन्यास इन्हें कहा जाता है, सम्राट उपन्यास, ठीक है, और सम्राट उपन्यास किसने कहा था, सम्राट उपन्यास नाम दिया था इन्हें, ठीक है, सम्राट उपन्यास नाम दिया किसने, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, शरद चंद्र, ठीक है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, ये आप याद रखिए कि इनको उपन्यास सम्राट नाम दिया था शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ठीक है। ये हो गया अभी इंपॉर्टेंट इनका जन्म स्थान। क्वेश्चन इस तरह से ही बनते हैं कि जन्म स्थान बताइए, तो इनके जन्म स्थान के बारे में बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जो जन्म है वो ग्राम लम्ही वाराणसी, ठीक है, कौन सा, ग्राम लम्ही में, ठीक है, ग्राम लम्ही। चलिए, तो हम क्या बात कर रहे थे कि सम्राट उपन्यास इन्हें उपाधि दी थी, किसने दी थी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय थे, उन्होंने इनको उपाधि दी थी। अब इनके जन्म स्थान की बात की जाए तो इनका जो जन्म स्थान वो कहाँ था, ग्राम लम्ही वाराणसी में। इनकी माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम आनंदी देवी था और पिता थे अजय राय, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं जो आपका PGT का एग्जाम होता है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं कि पिता कौन थे, माता का नाम क्या था, इनके पिता थे अजय राय। अब इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट इनका ये कि इन्होंने सोजे वतन लिखा था और सोजे वतन की जो सभी प्रतियां थी इन्होंने उनको नष्ट कर दिया गया था, मतलब जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने इनकी सोजे वतन की जो प्रतियाँ थी वो नष्ट कर दी थी, ठीक है। और उस समय ये नवाब के नाम से लिखते थे, ठीक है। और इसके अलावा इनका जो मंगलसूत्र उपन्यास है, जो कि इनका अधूरा उपन्यास कहा जाता है, जो कि इनके बेटे इनके जो बेटे थे अमृत राय उनके द्वारा पूरा किया गया था। तो ये टॉपिक्स हैं जो आपको आ सकते हैं कि सोजे वतन थी, या हो सकता है कि सोजे वतन किसने लिखा, प्रेमचंद ने, या फिर इनकी ऐसे कौन सा इनका ऐसी कृति थी जिससे नष्ट किया गया था, तो सोजे वतन था, ठीक है। इनका अधूरा उपन्यास कौन था, इनका अधूरा उपन्यास था मंगलसूत्र। चलिए, तो अब हम बात करते हैं उनकी कृतियों के बारे में। तो इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने 15 उपन्यास लिखे हैं और 300 से अधिक उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, जो कि अलग अलग उनके जो संग्रह हैं उसमें हैं। 3 नाटक लिखे हैं और कुछ ट्रांसलेशन के अनुवाद उन्होंने किए, ठीक है। तो सबसे पहले हम उपन्यास देख लेते हैं।
तो सबसे पहले बात की जाए इनका, जो हिंदी में सबसे पहला उपन्यास आया था वो था सेवा सदन, ठीक है। अब आप सोचेंगे हिंदी में, तो देखिए जो इनका एक उपन्यास था प्रेमा, जो कि 1907 में आया था। कितना, एक प्रेमा उपन्यास इन्होंने लिखा था 1907 में। लेकिन वो चलिए, तो इसके पहले इन्होंने एक और उपन्यास लिखा था जो था प्रेमा, ठीक है, प्रेमा जो कि 1907 में आया था, ठीक है। लेकिन ये पूरी तरह से हिंदी का नहीं था। तो सबसे पहले हिंदी का इनका पहला उपन्यास कहा जाए जो हिंदी भाषा में लिखा गया था वो था सेवा सदन, जो कि 1918 में आया था। उसके बाद दूसरा है इनका प्रेमाश्रम, जो कि 1921 में आया था, जो कि किसान जीवन पर आधारित उपन्यास था, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं हिंदी का पहला किसान से रिलेटेड अगर कोई उपन्यास लिखा था तो किसने लिखा था, जो हमारे प्रेमचंद थे उनने लिखा था। फिर इनका तीसरा था रंगभूमि, जो कि 1925 में आया। कायाकल्प की बात की जाए तो 1926 में, निर्मला 1927 में आया। गबन की बात की जाए 1931 में आया। कर्मभूमि 1932 में, और जो गोदान था 1936 में आया था, ठीक है। इनका एक फेमस उपन्यास कहा जाता है गोदान, ठीक है। तो ये होगा इनकी उपन्यास, ठीक है। बाकी और उपन्यास हैं, मतलब टोटल संख्या 15 है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने 8 ही बताए हैं आपको, और बाकी जो और हैं उनके वो उर्दू भाषा में। चलिए अब कहानियों की बात की जाए, तो देखिए कहानियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनकी कहानी थी सोजी वतन, जो कि मैंने आपको बताया था कि इसे क्या कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। इनका पहला कहानी संग्रह कहा जाता है। उसके बाद इनका आया सात सरो सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रतिमा, मानसरोवर भाग एक और दो है जिनमें इनकी कहानियाँ संग्रह की गई हैं। कफन है, जो कि इनका आखिरी कहानी कही जाती है। पंच परमेश्वर है, दो बैलों की कथा, ईदगाह, पूस की रात और बूढ़ी काकी, ठीक है। ये यहाँ पर हमने और भी 300 कहानियाँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जो हर बार पूछी जाती हैं, वो हैं ये, ठीक है। उसके बाद नाटक की बात की जाए तो नाटक में इनका सबसे पहला संग्राम 1923, करबला 1924 और प्रेम की बीती 1933 में आया था, ठीक है। ये इनके नाटक हो गए। अब पत्रिकाओं की बात की जाए तो जो प्रेमचंद जी ने कुछ पत्रिकाओं में भी अपना सहयोग दिया था। पहली की हंस थी, दूसरा था माधुरी और तीसरी थी जागरण, ठीक है। ये इनकी पत्रिकाएं थी। इसके अलावा बात की जाए अनुवाद, तो अनुवाद इनने किया था एक टॉल्स्टॉय की कहानी है, जो कि 1923 में इनने उसका अनुवाद किया था। और फिर चांदी की डिबिया, जिन्होंने इसका अनुवाद किया था 1931 में। इसके अलावा इम्पोर्टेंट जो है वो कलम का सिपाही, ठीक है। तो कलम का सिपाही भी कहा जाता है उपन्यास जो है सम्राट। तो कलम का सिपाही क्या है, इनकी एक जीवनी थी जो कि उनके ही पुत्र, इनके जो पुत्र थे अमृत राय, उनके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो अमृत राय उनके पुत्र थे और उन्होंने मुंशी प्रेमचंद के ऊपर कहा उपन्यास, सॉरी जीवनी लिखी, ठीक है, जो थी कलम का सिपाही। इसके अलावा अगर बात करूँ मैं उर्दू उपन्यास की, ठीक है, तो इनके उर्दू उपन्यास में फसानाए आजाद का हिंदी अनुवाद आजाद कथा फेमस है, ठीक। इसके अलावा मूल रूप से हिंदी में लिखा एक उपन्यास इनका कायाकल्प भी है, ठीक है। इनकी कहानियां मानसोवर के 8 भागों में एवं गुप्त धन की 2 भागों में संग्रह थे, ठीक है। तो मानसोवर तो इनकी हिंदी कहानियों का संग्रह है जो कि 8 भागों में, और गुप्त धन है जो 2 भागों में संग्रह थे। और जो गोदान है वो क्या है, ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इनका जो गोदान उपन्यास है, ठीक है, जो गोदान है ग्रामीण जीवन पर आधारित एक उपन्यास है, ठीक है। इसमें देखिए होरी रहता है, ठीक है, होरी है, कुछ जमींदार भी इसमें है। सारी कहानी दी गई है कि किस तरह से किसान, मतलब कितनी कठिनाई पूर्वक अपना जीवन यापन करता है, कैसे कर्ज लेकर के, सारी चीज़ें इन्होंने गोदान में बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी हुई हैं, इसलिए इनका फेमस उपन्यास कहा जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रेमचंद के बारे में एक छोटा सा जीवनी कहें तो, ठीक है, जो कि इसमें से काफ़ी कवर हो जाएगा आपका। NBS अभी है आपका सितंबर में, ठीक है। तो NBS PGT और KBS भी आने वाला है, KBS PGT दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और NBS PGT से रिलेटेड और भी वीडियो आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।